हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। स्टूडेंट्स, हमें साइड्स बतानी है रेगुलर पॉलीगन की कितनी होगी अगर उसका एक्सियर एंगल दिया है। तो बहुत आसान है, आपको पता है एक्सियर एंगल क्या होता है, 360 अपॉन एन। एन क्या होती है? साइड्स। अब आपको साइड्स बतानी है तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एन क्या हो जाएगा, 360 अपॉन एक्सियर एंगल। और आपको एक्सियर एंगल 24 दिया है, जब आपकी डिवाइड करोगे इसको तो साइड्स आ जाएंगी आपके पास 15। तो मतलब आपकी एन की वैल्यू कितनी होगी, साइड्स की वैल्यू 15। आपकी उस पॉलीगन में 15 साइड्स होंगी और उसका एक्सियर एंगल की जो वैल्यू है वो 24 डिग्री।